जेएमएम के तीन बड़ी कंपनियों के गेट का घेराव करने को लेकर के तीन बड़ी कंपनियों के गेट को जाम करने की घोषणा की गई। जमशेदपुर परिषदन में जेएमएम पूर्व सिंहभूम जिला समिति की बैठक जिलाध्यक्ष और विधायक रामदास सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के जमशेदपुर मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया जाएगा। इसको लेकर के 17 नवंबर को टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स के चारों गेटों पर धरना प्रदर्शन नाकेबंदी करने की घोषणा की गई। इसमें विधायक समीर मोहंती, विधायक सविता महतो और टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट और टाटा स्टील के विष्णुपुर थाना के पास का गेट विधायक संजीव सरदार वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के गेट के घेराव का नेतृत्व विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में किया जाएगा। आंदोलन के लिए आज हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी विधायक, माननीय विधायक, यहाँ के पार्टी के केंद्रीय महासचिव, केंद्रीय सचिव, केंद्रीय सदस्य और यहाँ के झारखंड आंदोलनकारी वरिष्ठ नेताओं का आज बैठक हुआ और एक रणनीति बना। 17 तारीख के दिन जो टाटा मोटर्स के कॉमिंस है, टाटा मोटर्स का कॉमिंस का जो कार्यालय को महाराष्ट्र ले जाने की जो बात आई है और उसका 50-50 शेयर टाटा मोटर्स का सर। 17 तारीख का आंदोलन के लिए आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।